जय हिंद तेरे दोस्तों। दिल्ली सरकार में दोस्तों 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट लेवल सबके लिए वैकेंसी नोटिस आउट हुआ है और वो भी पक्की सरकारी नौकरी। दोस्तों कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं मांगी गई है जो आपके पास ना हो। अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं वो भी दिल्ली में, तो ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। और डिपार्टमेंट की बात कर तो एक से एक डिपार्टमेंट है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, एमसीडी में वैकेंसी है, एनडीएमसी में वैकेंसी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जिसमें आंगनवाड़ी वगैरह की भर्ती निकलती है, तो उर्दू अकेडमी में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, एफएसएल डिपार्टमेंट में, डीएसआईडीसी में, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में, मेट्स में, दिल्ली सिविल डिफेंस में, बेसिकली दोस्तों काफी ज्यादा डिपार्टमेंट है, इन सब में वैकेंसी नोटिस आउट हुआ है। तो आज की वीडियो समझेंगे आपको अप्लाई कैसे करना, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज में बताएंगे सारी अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो आपके लिए भी भर्ती निकली है, सिंपल 12वीं पास है तो आपके लिए भी निकली है, और आप सिंपल ग्रेजुएटेड हैं तो आपके लिए भी निकली है, या फिर आपने कोई टेक्निकल फील्ड की हुई है तो आप सबके लिए तो सोने पे ही सुहागा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के बारे में। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप सब अप्लाई कर सकते हैं, 48/24 पोस्ट कोड को अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट पोस्ट का नाम है जिसमें 10वीं पास मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो लेवल 1 के अगेंस्ट सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल या 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, और एज पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया रूल आपको सारे इलेक्शन में मिलेंगे। जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट वालों को इसमें 5 साल का इलेक्शन मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट वालों को 3 साल का इलेक्शन मिलेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों पोस्ट कोड 42/24 की, तो इसमें बेसिकली 12th पास मांगा गया है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। 12th पास मांगा गया है, 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, 18 से 27 साल एज मांगी गई है। सैलरी की बात करते हैं, लेवल 2 कहेंगे सैलरी मिलेगी जो लगते ही 35 से 40 हजार आपकी सैलरी बनेगी। इसमें बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन कौन से डिपार्टमेंट में, एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें है एनिमल हस्बेंड्री यूनिट है, यूटीसीएस है, डीटीटीडीसी है, एनडीएमसी है, एमसीडी है। सबसे बढ़िया बात ये दोस्तों एमसीडी की भी भर्ती इन्होंने निकाल दिया, यानी कि आउट कर दिया है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 5/2024 है, जो कि 5 मार्च 2024 को आउट हुआ है। अप्लाई करने की जो डेट्स रहेंगी दोस्तों वो 19 मार्च 2024 को लिंक ओपन हो जाएगा और 17 अप्रैल 2024 को लिंक ओपन बंद हो जाएगा। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप उसको गो थ्रू जरूर कर लेना। पक्की सरकारी नौकरी है सिंपल 10वीं पास वालों के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पंगा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो अप्लाई जरूर कर देना, एक बार एडवर्टाइजमेंट जरूर रीड आउट कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।